ये चीज़ लिटरली वायरल हो रही है, एंड जो चीज़ इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है उसके साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइडेंस, बहुत सारे उल्टे पुल्टे चीज़ें, अलग अलग फैक्ट्स बाहर निकल के आते हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू द न्यू कोरोना वायरस जो है, जो निकल के आया है चाइना में से और जो इंडिया में भी अभी डिटेक्ट हो चुका है। आई एम गोना मेक दिस वीडियो एज डिटेल्ड एज पॉसिबल ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली एंड आज का जो ये वीडियो है इट्स ऑल अबाउट द कोरोना वायरस। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना मींस अ क्राउन। अब ये जो वायरस है, वायरस इज नथिंग बट अ जेनेटिक मटेरियल। इट्स अ डीएनए और एन आरएनए। ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज इनकैप्सुलेटेड इन अ शेल। इस केस के अंदर ये जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर आपको ऐसे स्पाइक्स दिखेंगे ऑन द टॉप ऑफ द शेल। सो दैट इज द क्राउन एस्पेक्ट ऑफ दिस कोरोना वायरस। सो ये जो कोरोना वायरस है दैट इज नॉट अ न्यू थिंग। कोरोना वायरस एक बहुत पुरानी चीज है, बहुत बार, इट्स वेरी वेरी कॉमन एक्चुअली। ओनली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोना वायरसेस। लार्जली अगर मैं ग्रुप करूं तो अल्फा एंड बीटा कैटेगरीज के अंदर कोरोना वायरसेस होते हैं। और अभी जो कोरोना वायरस निकल के आया है चाइना में से फिर से, इट इज कॉल्ड द 2019 नोवेल कोरोना वायरस। अब इसका कोई एक प्रॉपर नेमिंग अभी तक नहीं हुआ है बिकॉज इट इज वेरी वेरी न्यू। अब हम इसके अगर ओरिजिन की बात करें देन सोर्सेस से दैट ये जो है वो वुहान करके एक शहर है चाइना के अंदर, वहां से निकल के आया है सी फूड मार्केट में से। एंड द एनिमल ऑफ ओरिजिन इज सेड टू बी स्नेक्स। अब ये कोरोना वायरस जो है वो कैसे स्प्रेड होता है? सी, दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन। दिस विल स्प्रेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। इट कैन गो फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन एज वेल, बट अगर हम ह्यूमन टू ह्यूमन की बात करें देन इट इज गोइंग टू गो थ्रू वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब टच से हो सकता है। कफिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग ऑन समवन, ब्लोइंग एयर ऑन समवन, या फिर स्पिटिंग जो है उससे भी हो सकता है ये चीज। यूजुअली क्या होता है, वन वे वेयर दिस गेट्स इन टू आर सिस्टम रियली रियली ईजिली इज कि हमने किसी से हैंडशेक किया है, हमने किसी को टच किया है जो इन्फेक्टेड है, या फिर हमने कोई एक सपोज बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, वो पोल को टच किया और वही हाथ बिना धोए बिना साफ किए हम आँख रब कर देते हैं, नोज पे टच कर लेते हैं, लिप्स को टच कर लेते हैं। ये जो म्यूकोसल एंट्रीज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उन्हें अगर हम टच कर लेते हैं विद दोज इन्फेक्टेड हैंड्स then that virus gets into our system very very easily. So next if we talk about the symptoms then yahan pe sabse pehle I wanted to let you know that abhi filhal jo incubation period nikal ke aayi hai that is 10 to 14 days. Now incubation period is something, it's that time frame jiske बाद ही आपको वो symptoms जो है वो full blown दिखने शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर आज मुझे कोरोना वायरस मेरे अंदर गया है तो 10 या 14 दिन के बाद ही मुझे उसके सिम्टम्स आना शुरू होंगे। एंड सिम्टम्स क्या हैं? ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हैवीनेस इन द चेस्ट, आपको बहुत ज़्यादा कॉफ, कोल्ड, फीवर, एक्सेसिव स्नीजिंग एंड कॉफ भी बहुत ज़्यादा होना, रेगुलरली एक या दो से बहुत ज़्यादा हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है डे आफ्टर डे, then that is considered as a proper symptom for this. Apart from this, chest pain होना या फिर in very rare cases vomiting या diarrhea होना, that is in very rare cases. Apart from this, इसका अगर मैं last stage symptoms आपको बताऊँ then that is going to be kidney failure or pneumonia or complete lung collapse or even death. ये एक last stage है, ये बहुत अभी फ़िलहाल rare है and it is not happening to a lot of people but this is also a possibility. अब सबसे पहले ये जानना बहुत important है कि ये जो symptoms है it is very common to coronavirus. सारे coronavirus usually यही symptoms दिखाते हैं, they always attack your respiratory tract in a human. Apart from this, ये जो symptoms है वो बहुत ही ज़्यादा common है, हर किसी को winter time में या monsoon time में सर्दी होती है, कोल्ड होता है, कफ होता है, सो इट्स वेरी वेरी कॉमन। ऐसी कोई भी यहाँ पे यूनिक सिम्टम नहीं है जिससे आपको पता चल जाए कि यार मैं कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुका हूँ। एंड अब हम बात करते हैं हु इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग, ये कोरोना वायरस किसको इफेक्ट कर सकता है। एंड द आंसर इज़ ये सबको इफेक्ट कर सकता है, आपको मुझे सबको इफेक्ट कर सकता है। ये हमारे अंदर जाके डिवाइड ग्रो भी हो सकता है, बट ये सारी जो लास्ट स्टेज सिम्टम्स हैं, डेथ है, निमोनिया है, एकदम हाई एंड कफ, फीवर, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं दैट ओनली हैपन्स टू पीपल हु हैव अ
सप्रेस्ड इम्यूनिटी और अ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी, मतलब जिनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम होती है उनको ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। काफ़ी सारे लोग अभी वैसे भी हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस है लेकिन उनमें ये सारे सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं बिकॉज दे हैव अ गुड इनफ इम्यूनिटी। एंड लो इम्यूनिटी वाले कौन कौन होते हैं? बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रन हैव अ लो इम्यूनिटी, someone who has been constantly on antibiotics, medications, or else अगर अभी हाल फिलहाल के अंदर आपको कोई भी मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस ऐसे कोई भी चीज़ें हुई हैं जिसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन लेनी पड़े और आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुई है इन द रिसेंट पास्ट, दे ऑल आर कैंडिडेट्स फॉर दिस कोरोना वायरस इन्फेक्शन। सो अब फिलहाल करंट कंडीशन क्या है वर्ल्ड के अंदर, वॉट इज एक्चुअली गोइंग ऑन? देखिए सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो फिलहाल चाइना के अंदर ही हैं, वुहान सिटी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस काफी सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जो अभी रिसेंटली पता चल रहा है कि वो भी इन्फेक्ट हुए हैं। एंड जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब इसका जो टोटल डेथ रेट है दैट इज 213 रिपोर्टेड डेथ्स एंड 9800 टोटल केसेस ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, ये अभी फिलहाल नंबर्स हैं एंड दिस इज ऑब्वियसली इंक्रीजिंग बाय द टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं इंडिया की बात करूं देन एयर इंडिया ने एक रेस्क्यू मिशन यू नो डिवाइस किया है जहाँ पे दे आर गोइंग टू ब्रिंग बैक अप्रॉक्सिमेटली 400 इंडियंस एंड जो फ्लाइट है उसके अंदर 5 हेल्थ एक्सपर्ट्स भी होने वाले हैं इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। अपार्ट फ्रॉम दिस द मेन पॉइंट ओवर हियर इज अभी फिलहाल जो डेथ रेट है नोवेल कोरोना वायरस ये जो न्यू कोरोना वायरस है उसका इज ओनली 2-3%। अगर हम SARS से कंपेयर करें दैट वॉज अराउंड 10%, इफ वी कंपेयर इट टू इबोला वायरस दैट वॉज अराउंड 50% इन सम एरियाज, उससे कंपेरेटिवली ये बहुत ज़्यादा कम डेथ रेट है। बट why इज दिस बिकम सच अ बिग थिंग? WHO ने इसे एक ग्लोबल phenomenon क्यों डिक्लेयर किया है इज बिकॉज वी डोंट नो what वी आर डीलिंग विथ, इट इज़ अ कम्प्लीट अननोन एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब अगर आपको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो चुका है देन what आर यू सपोज टू डू? नंबर वन, डू नॉट पैनिक। यहाँ पे पैनिक होने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, उल्टा यू माइट कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू ऑल द पीपल अराउंड यू। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपके साथ हो रहे हैं या आपके फैमिली या आपके क्लोज बाय में किसी के साथ हो रहे हैं, वेयर अ मास्क योर सेल्फ एंड एडवाइज अदर पीपल टू वेयर अ मास्क। मास्क कैसे पहनना है? प्रॉपर एक मास्क लेके आइए विच इज ऑफ अ गुड क्वालिटी एंड cover both your nose and your mouth. And apart from this, if you are facing these symptoms, then आपको ये at least एक हफ्ते तक monitor करना है on a daily basis. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि day by day आपकी health बहुत ज़्यादा खराब होते जा रही है, obviously you have to rush to a doctor or a hospital and get yourself checked. Apart from this, एक medical helpline number मैं आपके screen के ऊपर flash करवा रहा हूँ अभी, you can use that and कॉल दिस नंबर इन केस अगर आपको कोई भी और क्वेरीज हो या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है एंड नाउ यू डोंट नो व्हाट टू डू, सो दिस इज द नंबर यू कैन कॉल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट्स, व्हाट आर द अवेलेबल ट्रीटमेंट्स फॉर दिस कोरोना वायरस? अनफॉर्चुनेटली देर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दिस न्यू नोवेल कोरोना वायरस। कोई भी वैक्सीन नहीं है यहाँ पे या कोई भी मेडिकेशन नहीं है, सिंस इट्स अ वायरस एंटीबायोटिक्स आर नॉट गोइंग टू वर्क and even your normal over-the-counter medicines are not going to work. Apart from this, vaccines, iske pehle jitne bhi viral outbreaks hue hain, chahe wo SARS ho, MERS ho, Ebola ho, uske andar ye paya gaya hai ki vaccines are not really helpful in eliminating these symptoms of these viral infections. And upar se vaccine banane ke liye kuch mahine se kuch saal bhi lag sakte hain, so that is not the correct viable option right now. However, उस पर काम obviously चल रहा होगा. Apart from this, the only other option for us in the long term is to create antibodies or harvest antibodies against this particular novel coronavirus. So अब हम आते हैं इस video के last part के अंदर, which is how can you avoid getting this infection and आप अपनी immunity जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, how can you make yourself stronger and immune to this novel coronavirus. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड नंबर वन थिंग इज इफ यू कैन इफ पॉसिबल अवॉइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और हैवी गैदरिंग्स, एंड इफ यू आर गोइंग टू गो इन सच प्लेसेस देन
प्लीज वेयर अ मास्क. सेकेंडली अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ स्ट्रेंजर्स. कोई भी हो नमस्ते करिए, एंड अगर हो सके तो किसी का झूठा मत खाइए, बिकॉज दैट सलाइवा, इफ दैट इज एन इन्फेक्टेड पर्सन, देन इट कैन कम टू यू एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस, वॉश योर हैंड्स एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल विथ सोप. खाने से पहले, अपने आप को टच करने से पहले, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वॉशिंग योर हैंड्स. अब ये जो है वो एक स्नेक से ओरिजिनेट हुआ है, एंड दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि नॉनवेज खाना बंद कर दो. वेल, दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू. एक्चुअली देर इज नो नेसेसिटी टू कंप्लीटली अवॉइड नॉन वेजिटेरियन फूड, बट येस आई विल से वन थिंग, कोई भी चीज, स्पेशली अगर सी फूड है वो और अगर इम्पोर्ट हुई है, देन अवॉइड इट फॉर नाउ. If it is an imported thing, it is not from here, it is not locally grown in your area, then don't have it. Chicken, eggs, meat should be fine, but agar ho sake, avoid karo, but it is not a necessity as of now. And last thing to avoid is taking excessive antibiotics and medicines. Agar isi dauran ke andar aapko fever aa jata hai, cough aa jata hai, cold aa jata hai, and aap sochte hai ye coronavirus hai, you start popping in a lot of pills and a lot of medicines, it's going to make it even worse for you, because aapki immunity usse aur kharab hogi. Anti-mucus syrups jo hoti hain wo mat lijiye, because mucus is very very essential to trap this virus and not allow it to get bound to a cell. So please make sure ki you are not overdoing on medications during this particular phase. Ab aisi kaun si cheeze hain jo aapko karni chahiye to increase your immunity? Number one is to get enough sunlight, jitna ho sake utna, or take enough vitamin D. At least 10,000 IU of vitamin D with 100 micrograms of vitamin K2, MK7. Apart from this, the most important other vitamin is going to be vitamin C. एंड ये मैं आपको हमेशा से कहते आ रहा हूँ, विटामिन सी यू आर सपोज टू टेक इट फ्रॉम होल फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, जो मैं आपको बताता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको बहुत अच्छे से फैट्स खाने हैं, हेल्दी फैट्स, स्पेशली घी एंड वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल एवरी सिंगल डे, एटलीस्ट वन टेबल स्पून ईच ऑफ बोथ ऑफ देम. प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर कंज्यूमिंग दिस, because this has a lot of benefits for your immunity, and it will make sure that overgrowth in cheezon ki na ho aapke body ke andar. Apart from this, ek safe side pe rehne ke liye intermittent fasting is also going to help you out a lot. Minimum of 16 hours is actually going to increase your immunity and make sure that your body is ready for such things. And most importantly, aapko zinc bhi achhi matra mein consume karna hai. Try and get it from foods. If not possible, take a zinc supplement like zinc citrate or something like that. Apart from this, ये एक चीज़ है जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ, and that is, आप जब नहा के सुबह आते हैं, and before going out to your work, to your college, to your school, anything, apply virgin cold pressed coconut oil all over your body, especially your hands. देखिए, virgin coconut oil जो है, that gets absorbed really really quickly. Within a few minutes itself, it will get absorbed. तो आपको ये tension नहीं होना चाहिए कि सारा sticky sticky oily oily होने वाला है. The reason why I'm telling you to do this is because virgin coconut oil is extremely extremely powerful as an antiviral. अगर आप बाहर ही उस virus को रोक सकते हैं, that would be amazing. Apply it all over your hands, maybe your legs, if possible on your face, if possible, but this is something that I personally do and I would recommend you guys to do it as well. Apart from this, kuch aisi cheeze hain jo kafi potent antivirals hain. Number one is colloidal silver, jo aap doctor ke guidance ke andar le sakte hain if you are infected. Apart from this, oregano. Apart from this, garlic, ginger, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रीन टी. जो मेरी ग्रीन टी की रेसिपी है, आई एम लिविंग ऑल द लिंक्स, जितना भी मैं आज बात कर रहा हूँ सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे. अगर हो सके आपके सैलेड के अंदर टर्मरिक डाल दीजिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली इज कि आप अपने गले को कभी भी ड्राई होने मत दीजिए. दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप. कीप ड्रिंकिंग वाटर, कीप ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, नारियल पानी हो गया या फिर कोई जूसेस अगर आप पीना चाहें. Don't have packaged, processed, outside food, junk food, aerated drinks, all of these things during this time especially, because you never know
अगर आपको एक्चुअल वो नॉवल कोरोना वायरस से इन्फेक्शन नहीं हुई है, बट अगर आप बाहर का खाना खाते हैं एंड अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन हो गया एंड योर इम्यूनिटी गोज डाउन, देन यू विल बिकम अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर दिस कोरोना वायरस टू एंटर योर बॉडी एंड मेस अप योर हेल्थ. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा मैटर करती है एंड फॉर दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप घर का अच्छा शुद्ध खाना खा रहे हैं, रॉ फूड्स, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं, अच्छा खासा सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं एंड यू आर कीपिंग योर हेल्थ एट अ वेरी गुड लेवल. सो गाइज, यही था ऑल अबाउट द 2019 नॉवेल कोरोना वायरस विच हैज़ कम फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड एज वेल. आई होप आई हैव डन जस्टिस इन एक्सप्लेनिंग यू ऑल द टाइनी लिटिल डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर आउटब्रेक. अगर आपके कोई और डाउट्स हों, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो काफी यूजफुल हो सकती है, लीव एवरीथिंग डाउन इन द कॉमेंट्स बिलो. विद दैट सेड, जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.